ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन या एक्जिमास। अगर आप इनमें से किसी भी मसले का शिकार हैं तो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। सो कीप वॉचिंग। आई एम डॉक्टर अमन रसूल, FCPS डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम द स्किन लाउंज, एंड आई एम हेल्पिंग यू गाइज टू हैव अ बेटर स्किन, हेयर एंड नेल्स। ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन और एक्जिमास बेसिकली एक ही स्पेक्ट्रम के डिफरेंट पार्ट्स हैं। होता यह है कि जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है, अगर वो अपनी स्किन की ड्राइनेस को एड्रेस ना करें, टाइमली मॉइस्चराइजर यूज़ ना करें, तो उनकी स्किन सेंसिटिव होना स्टार्ट हो जाती है और डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बाकी लोगों को सूट कर रहे होते हैं उनको उनसे एलर्जी डेवलप हो रही होती है। और अगर तब भी वो इस चीज़ को एड्रेस ना करें तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि उनको एक्जिमास डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये जिसको हम दूसरी जबान में डर्माटाइटिस भी कहते हैं। तो आज मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी जो आपकी हेल्प करेंगी कि आप इस मसले से बच सकें। और मोस्टली ड्राई स्किन के लोग हैं जो इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, जो इस वीडियो से फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ड्राई स्किन और एक्जिमास का आपस में क्या ताल्लुक है। बेसिकली होता यह है कि ड्राई स्किन वाले लोगों में जो स्किन की सबसे सुपरफिशियल लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, वो कम्प्लीट अच्छी वाली नहीं बनी होती, उसमें कुछ ब्रेक्स होती हैं जिसकी वजह से मॉइस्चर को अपने अंदर रिटेन करने की पावर और मॉइस्चर को लॉक करने की पावर ऐसी स्किन के अंदर कम होती है। इसी वजह से आपका जो भी मॉइस्चर कंटेंट होता है स्किन का, वो कम हो जाता है क्योंकि आपका मॉइस्चर वेपोरेट कर जाता है। तो ऐसे लोगों की स्किन फिर ड्राई रहना शुरू हो जाती है। और इसके बाद अगर वो एहतियात नहीं करते तो कोई भी वो चीज़ यूज़ करेंगे, चूँकि उनकी स्किन ड्राई है, ऊपर से प्रोटेक्टिव वाटर की लेयर और लिपिड की लेयर प्रॉपरली नहीं बनी हुई, तो ऐसी चीज़ उनको सेंसिटिविटी करवाना शुरू कर देती है और उसके बाद उसमें रैश डेवलप होना शुरू हो जाता है, इन्फ्लेमेशन डेवलप होना शुरू हो जाती है, जो एक्जिमास की वजह बनती है। तो इसमें मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी जिनको यूज़ करके, पे अमल करके आप इस मसले से बच सकते हैं और अपने लिए एक हेल्प ले सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ड्राई स्किन वाले लोगों को जिस चीज़ को फॉलो करना है वो ये है कि आपने एक अच्छा मॉइस्चराइजर सेलेक्ट करना है और उसको अपनी बॉडी पे दिन में मुतअद्दिद बार आपने अप्लाई करना है। जिन लोगों की स्किन एक से दो दफ़ा यूज़ करने से ठीक रहती है और उस पर इरिटेशन नहीं रहती तो वो एक से दो दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आपको हो सकता है 4 से 5 दफ़ा ये यूज़ करना पड़े लोशन या मॉइस्चराइज़र। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी आप शॉवर लें तो शॉवर के बाद आप अपनी स्किन को बहुत ओवर ड्राई ना करें, जस्ट एक टॉवल लेके उस स्किन को टैप करें और बाकी जो मॉइस्चराइज़र है उसको आप इस तरह से लॉक करेंगे अपनी बॉडी पे कि कोई भी लोशन अप्लाई कर लें अपनी बॉडी पे, ताकि जो नहाने के दौरान आपका मॉइस्चर आपकी स्किन पर लगा है वाटर की सूरत में, वो वहाँ पे एक अंदर लॉक हो जाए मॉइस्चराइज़र की हेल्प से। और इस तरह से आपकी स्किन में ड्राइनेस जो है वो ज़्यादा आपको प्रोमिनेंट नहीं रहेगी और आपको रैश, इरिटेशन के चांसेस भी कम रहेंगे। दूसरी पॉइंट टिप ये है कि आपने अपनी स्किन को वॉश करने के लिए जब सोप सेलेक्ट करना है तो उसमें आपने बहुत एहतियात बरतनी है। जो एंटीबैक्टीरियल सोप्स या एंटीफंगल सोप्स आमतौर पे मौजूद होते हैं मार्केट में, या इवन एक्ने के लिए जो सोप्स मौजूद होते हैं, वो आपने अपनी ड्राई स्किन वाले पार्ट्स पे बॉडी पे अप्लाई नहीं करने, क्योंकि आपकी स्किन को मज़ीद ज़्यादा ड्राई करेंगे और इससे एक्जिमास बहुत जल्दी डेवलप होंगे। और इसके अलावा आपने ये भी एहतियात करनी है कि आपने जब सोप सेलेक्ट करने के बाद ओवर वॉशिंग को, ओवर क्लीनिंग को भी अवॉइड करना है। जिस्म को नहाने के लिए खास तौर पे कई लोग एक्जिमा जिनको होते हैं उनकी नेक समटाइम्स ज़्यादा डार्क होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा वॉश करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा करने से आपका एक्जिमा और ड्राइनेस और बढ़ती है और फिर वो एक विशियस साइकिल चल पड़ता है जिसमें मज़ीद ड्राइनेस, मज़ीद वॉशिंग, मज़ीद पिगमेंटेशन, मज़ीद डार्कनिंग और फिर मज़ीद ड्राइनेस दोबारा डेवलप हो रही होती है और आप दोबारा उसको वॉश करते जा रहे होते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि शायद ये हमारी जो ब्लैकनिंग है ये इस वजह से है क्योंकि हम सही तरह से वॉश नहीं करें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ओवर वॉशिंग को आपने अवॉइड करना है और हमेशा सोप सिलेक्शन में एहतियात करनी है। ग्लिसरीन कंटेनिंग सोप्स होते हैं वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं, तो ऐसे सोप्स आप सिलेक्ट करें। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने जब अपने लिए ड्रेस का इंतखाब करना है, क्लोदिंग का इंतखाब करना है, तो उसमें एहतियात करनी है कि एक्जिमास वाले पेशेंट्स और ड्राई स्किन वाले सेंसिटिव स्किन वाले पेशेंट्स ज़्यादातर आप कोशिश करें कि आप 100% कॉटन के कपड़े पहनें, और अगर आपको कोई सिंथेटिक स्टफ़ पहनना भी है तो आपने अपनी बॉडी के साथ जो टच हो रही है आपके कपड़े, जैसे कि आपकी कोई पजामा है या आपका कोई बुनियान वगैरह है, तो वो 100% कॉटन की होनी चाहिए ताकि आपकी स्किन के साथ जो लेयर कॉन्टैक्ट में आती है वो आपकी स्किन को इरिटेट ना कर सके और एक्जिमास का बायस ना बन सके। तो 100% कॉटन आप फैब्रिक यूज़ करें ताकि आपकी स्किन को कोई डेंजरस असरात मुरतब ना हो। एहतियात आती है लाइफस्टाइल में।
लाइफस्टाइल में बहुत बार चीज़ ये है कि जिन लोगों की स्किन ड्राई है वो पेट्स रखने से परहेज़ करें, ख़ासतौर पे बर्ड्स, पिजन्स और ये पैरट्स, इसके अलावा जो चिकन्स वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें आप अपने घर में रखने से परहेज़ करें, क्योंकि इनके फैदर्स से कुछ ऐसे पार्टिकल्स फिज़ा में आ जाते हैं जो आपको इरिटेट कर सकते हैं और आपकी स्किन को ख़राब कर सकते हैं। इसके अलावा घर में कारपेट्स से भी परहेज़ करें, और जब स्प्रिंग का सीज़न हो तो गार्डन्स को विज़िट करने से परहेज़ करें, गार्डन में ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे भी कुछ ऐसे पोलन्स होते हैं जिनसे आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है और एलर्जीज हो सकती हैं, और इससे आपको नुकसान हो सकता है। और माउंटेन के एरियाज़ में भी आप स्प्रिंग के सीज़न में जाने से अवॉइड करें, और अगर आपको जाना बहुत ज़रूरी है तो अपनी मेडिसिन को साथ ज़रूर लेके जाएं और मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। बट नॉट द लीस्ट, जब कभी आपकी स्किन का प्रॉब्लम आपसे डील ना हो रहा हो और आपको लग रहा हो कि ड्राइनेस से मसला बढ़कर सेंसिटिविटी और एक्जिमा की तरफ जा रहा है, तो आप अपने मॉलिश से रब्ता करने में देर ना करें, अपने एक्जिमा को टाइमली ट्रीट करें, क्योंकि अगर आप इसको टाइमली ट्रीट नहीं करेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और फिर उसके बाद आपकी स्किन पे वो निशान भी छोड़ के जा सकते हैं। तो आपने अपने मॉलिश से फ़ौरन रब्ता करना है, और जब कभी ज़रूरत हो बीच में आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ मॉइस्चराइज़र और बाकी केयर जो है वो आपने जारी रखनी है, उसमें कोई कमी नहीं आनी है। आई होप दीज टिप्स विल हेल्प यू टू कीप योर हेल्थ स्किन हेल्दी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको ऐसी वीडियोस सुनने को मिलती रहें, और अगर आप हमसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।